दोस्तों मैं राजीव शर्मा आज से कुछ बतौर हैसियत स्टोरी राइटर स्टोरी टेलर के मैं कुछ बदलाव लाने जा रहा हूँ, बदलाव नहीं कुछ एडिशन करने जा रहा हूँ। अब कुछ एक मैं आपको लघु कथाएं भी सुनाऊंगा, शॉर्ट स्टोरीज, वेरी शॉर्ट स्टोरीज, और वो शॉर्ट स्टोरीज भी वो छोटी कहानियाँ भी जब कहानी ख़त्म होगी तो आपके होठों पे मुस्कान लेके जरूर आएगी, ये मेरा विश्वास है, आपसे वादा है। तो दोस्तों इस कड़ी में पहली कहानी की शुरुआत करता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है पेड़ पे घर, यानी अंग्रेजी में कहें तो ट्री हाउस। कहानी शुरू करते हैं। रमेश मिश्रा जी बहुत सख्त मिजाज के अभिभावक हैं। उनका जवान बेटा जयेश मिश्रा अब स्कूल से कॉलेज में आने जा रहा था। रमेश मिश्रा जी के एक अंदर एक खलिश सी थी। वो स्वयं भी एक सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहते थे, आईएएस के अधिकारी बनना चाहते थे, प्रशासनिक सेवा में आना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे वो कोशिश भी नहीं कर पाए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अब जैसा कि हर बाप अपने संतान में वो देखना चाहता है, अपने सपनों को अपने संतान के माध्यम से साकार करना चाहता है, तो कुछ गलत नहीं था रमेश मिश्रा जी के मन में अगर ये विचार घर कर गया कि उनका पुत्र जयेश तो प्रशासनिक सेवा में आएगा ही आएगा। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको एक कोचिंग सेंटर में डाला, रुपया काफ़ी खर्च करा, और सबसे बड़ी बात उनका जो घर था बिल्कुल नदी के पास था, एक बहुत ही एक सीनिक वातावरण था, एक प्रकृति से बिल्कुल नज़दीक था। कल कल करती नदी बहती थी उनके घर के पास, उनके घर के बगीचे के साथ। तो उनके बगीचे में एक कटहल का पेड़ था, काफी बड़ा विशाल। तो रमेश मिश्रा जी के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने आनंद फानंद में उस कटहल वृक्ष पर एक घर बना दिया, एक कमरा बनवा दिया, एक साथ में एक टॉयलेट भी बनवा दिया उसी में बकायदा। आजकल तो ट्री हाउस टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है, काफी मोटी दाम भी वसूल करती हैं कंपनी इसके ट्री हाउस के लिए, ट्री हाउस लिविंग के लिए। तो उनका ख्याल था कि उनका बेटा जयेश बहुत पसंद करेगा उनके आइडिया को, लेकिन और उन्होंने जयेश को उस ट्री हाउस में ये हिदायत दे दी कि तुम अब यहीं पे रहोगे जब तक तुम्हारा ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और वहां पर एक इंटरकॉम की व्यवस्था भी कर दी, फोन लगाई उसके पास मोबाइल कि जो भी है जो संपर्क में रहोगे तुम्हारे पास जो है खाना नाश्ता वगैरह वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे को नौकर तुम्हारे पास ले आएगा। अब उन्होंने तो सोचा था कि जयेश को ये आइडिया पसंद आएगा, लेकिन जयेश को तो बहुत बुरा लगा आइडिया। कई हफ्ते बीत गए, कई महीने बीत गए और उसको इतना बुरा लगा, एक दिन तो उसने अपने पिता को बोल भी दिया कि ये मैं नहीं रहूँगा वहाँ पर, मैं 18 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ लेकिन मैं ट्री हाउस पर नहीं रहूँगा। कहता क्यों भाई क्यों नहीं रहोगे? कहता पिताजी ये गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है, कोई माहौल नहीं बनता पढ़ने का, और आदमी कब तक अकेला रहेगा? मैं कोई गुफा में रहने वाला आदमी मैं हूं क्या? अब रमेश मिश्रा जी को तो काटा तो खून नहीं, उनको तो समझ नहीं आया। कहा कि नहीं ऐसा है,
कि अब सर्दियां तो निकल चुकी हैं, गर्मियां भी कम होती जा रही हैं, बरसातों का मौसम आ रहा है, तुम बरसात तक इस सीजन तक निकाल लो, आने वाली सर्दियों से पहले मैं तुम्हारे को यहाँ पर रहने के लिए बाध्य नहीं करूँगा, तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अब 4 महीने कौन रहेगा वहाँ पर? अब उसने सोचा, देश को आइडिया आया, और एक दिन उसने देखा कि जो नदी थी, जो घर के पास थी, बिल्कुल ट्री हाउस उसके बिल्कुल ऊपर था, और उसने उसका मुआयना करा कि जैसे वो था बना हुआ, उसको लगा कि जैसे अब ये बरसातों में नदी बिल्कुल ऊपर आ जाती है, तो उसने ये ठान ली कि 48 घंटे से बरसात हो रही थी बिना रुके, जैसे ही बरसात रुकी और उसने देखा कि नदी का स्तर काफी ऊपर है, वो नीचे आया, अपने सामान की व्यवस्था करी, गाड़ी वगैरह की, और बाजार गया, सब वो लेके आया, वापस आया, देखा पूरे घर में पिताजी तो नहीं थे, माँ बहन तो मंदिर गए थे, उनको पता था ये आज सोमवार का दिन, पिताजी अपने काम पर गए होंगे। तो ये सोच करके उसने चुपके से आरी चलानी शुरू करी, आरी चली, और जो ट्री हाउस था वो कुछ ही देर में 30-35 मिनट की जद्दोजहद के बाद उसने टैब बोल दी और वो धड़ाम से नदी में जा गिरा। अब कुछ जयेश कुछ शाम को पिताजी घर पर आते हैं, जयेश कहता है पिताजी वो तो ट्री हाउस तो कच्चा था, टूट गया, बहुत ज्यादा बारिश में सही नहीं कर सका, चला गया, नदी में गिर गया। कहता हाँ, उन्होंने अपने कपड़े थोड़े झड़कते हुए कहा, कहता मालूम मुझे तुम ही नहीं गिराया था। कहता है तुमने गिरा? मैंने गिरा था? हाँ मैं सब जानता हूँ। अब वो सब पका गया, उसने सोचा कि भाई किसी ने चुगली करी है और कोई आंखों देखा कुछ, कोई होगा गवाह। तो उसने कहा सच बोल रहे ठीक है। उसने कहा देख मैं तेरे को शुरू से कह रहा हूँ कि तू हिस्ट्री में तू स्पेशलाइजेशन है तेरा, और हिस्ट्री के स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हिस्ट्री जो है प्रकृति की गोद में अगर सीखने को मिले मैं दूसरा बनवा दूंगा, लेकिन तू तो मान जा। कहता पिताजी मैं चलो मैं मान लेता हूँ, मैं ट्री हाउस में लेके रहता, लेकिन मैं सच बोला ना, अब तो माफ कर दो। अब क्यों माफ कर दू? अब तो तेरे को उस ट्री हाउस पे एक महीने, मैं तो 4 महीने के बाद गई थी, अब तो तेरे को 1 साल तक रहना पड़ेगा, नया बनवाऊंगा। कहते पिताजी सुनो, आपने कहा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट, आपको मैं एक अमेरिकन हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन जो वहाँ के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक बार सच बोला था, उन्होंने एक चैरिटी को काट दिया था, और बाद में उन्होंने अपने पिताजी सच बोला और पिताजी ने उनको माफ कर दिया। कहता हाँ माफ कर दिया होगा, लेकिन बेटा उस चैरिटी में जॉर्ज वाशिंगटन का बाप नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।